हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर हम आज सिक्सटीन मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड द अदर थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें प्रॉलम्स और मीनस का एंड टू एंड सिलेबस कवर किया जाएगा तो अगर आप यू मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए यहाँ पर आपको यू पी एनालाइजर का मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका कि लिंक और चैनल का नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब आप यहाँ पर मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको पिंड मैसेज में एक लिंक दिखेगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप ज्वाइन करने से पहले एक बार सारे मैसेजेस रीड कर लेना उसके बाद ही अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी ग्रुप आप यहाँ पर ज्वाइन करना अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं आज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही आई है जो हिज़ाब बैन के ऊपर कर्नाटका हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बोली है जो हिजाब की प्रैक्टिस है वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में तो स्टेटिंग दैट वेयरिंग द हिजाब इज़ नॉट एन असेंेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है वो एब्सोल्यूट नहीं है और उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है और जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकती है तो स्टेटिंग दैट वेयरिंग द हिजाब इज़ नॉट एन असेंशल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन और जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल

इसके अलावा जो यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने फेबररी फाइव दो हजार बाईस को एक ऑर्डर निकाला था जिसमें यहाँ पर हिजाब पहनकर स्कूल स्कूल में आना अलाउड नहीं था तो यहाँ पर हाई कोर्ट का यही कहना है, वी आर ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है जो कि कर्नाटक का एक एजुकेशन एक्ट है उसके अंदर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है तो वी आर ऑफ द कंसिडर ओपिनियन डट द गवर्मेंट हैज द पावर टू इशू द इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड फेबर फाइव ट्वेंटी नो केस मेड आउट फॉर इट्स इन वेलिडेशन अब यहाँ पर कोर्ट ने इशू को चार पॉइंट्स में डिवाइड किया था पहला ये क्या हिजाब पहनना इस्लाम में असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और क्या इसको आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए क्योंकि सारी प्रैक्टिसेस को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है जो प्रैक्टिसेस यहाँ पर असेंशियल हैं किसी रिलीजन के लिए किसी रिलीजन के लिए वो प्रैक्टिस अगर इंटीग्रल है सिर्फ उसको ही यहां पर फंडामेंटल आर्टिकल में ट्वेंटी फाइव में यहाँ पर कवर किया जाएगा तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल ट्वेंटी फाइव में उन्हीं प्रैक्टिस को कवर किया जाएगा जो कि यहाँ पर असेंशियल प्रैक्टिस है और किसी रिलीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल है, है दूसरी बात क्या स्कूल यूनिफॉर्म यहाँ पर वॉयलेट करती है आर्टिकल नाइनटीन वन ए दैट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन दट इज राइट टू प्राइवेसी इसके बाद तीसरी बात ये यह, जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था और हिजाब को यहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया था कि हिजाब पहनकर आप स्कूल नहीं आ सकते हो तो क्या वो आर्टिकल फोर्टीन फिफ्टीन को यहाँ पर वॉयलेट करता था तो यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं इनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज में अब यहाँ पर एक और इशू ये है कि जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें यहाँ पर हिजाब पहनना अलाउड है स्कूल यूनिफॉर्म का आप हिजाब पहन सकते हो जो कि यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म का कलर है तो उसी कलर का हिजाब पहन सकते हो तो पिटिशनर ने एक आर्ग्यूमेंट ये रखा क्या जैसे केंद्रीय विद्यालय में अलाउड है वैसे इन स्कूल्स में भी अलाउड होना चाहिए लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये बोला है बेसिकली कि जो सेंटर है उसने अपने डिसीजन लिए जो स्टेट है उसके पास अपने डिसीजन लेने की पावर है क्योंकि इंडिया में एक फेडरल स्ट्रक्चर है भले ही यहाँ पर जो फेडरल वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है लेकिन इंडिया में एक फेडरल स्ट्रक्चर और जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर सेंटर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है दूसरी बात अगर कुछ बच्चे हिज़ाब पहनकर आएंगे और कुछ बच्चे हिजाब पहनकर नहीं आएंगे तो उसकी वजह से सोशल सेपरेटनेस क्रिएट हो जाएगी तो दैट वुड एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ सोशल सेपरेटनेस विच इज़ नॉट डिजायरेबल तो यहाँ पर जो पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए अब हम यहाँ पर एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे पहले यहाँ पर आप देख लो कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई न्यूज़ स्किप कर रही हूँ तो प्रो विदाउट फेयर और इन्फ्लुएंस हाई कोर्ट टू डेली पुलिस ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आगे चलते हैं ये जो है इंडिया मिसाइल सिस्टम है सेफ तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में मिसाइल मिस फायर हो गई थी तो उसके कॉन्टेक्ट में स्टेटमेंट दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आगे चलते हैं जी ट्वेंटी थ्री जो कांग्रेस में जी ट्वेंटी थ्री है उसके बारे में ये न्यूज़ है अब हम पहले एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस करेंगे उसके बाद हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे क्योंकि तब आपको ये ज्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा नैरोइंग ऑफ फ्रीडम अब असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होता क्या है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ केस में असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की डॉक्ट्रिन दी थी तो ओवर द पास्ट मेनी डेकेट्स तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिवाइज अ प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ सॉर्ट्स टू डिटरमाइन स्पेसिफिकली विच रिलीजियस प्रैक्टिस शुड एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन तो आर्टिकल ट्वेंटी में कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके लिए यहाँ पर असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट आया था जो कि असेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रीन भी कहा जाता है तो बेसिकली उसके बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी प्रैक्टिस यहाँ पर असेंशियल है जिसको यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा तो दिस हैज कम टू बी रेफर्ड एज द असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट और द दसेंशियलिटी डॉक्टरिन तो शेरूर मठ केस में सेइंग द टर्म रिलीजन तो रिलीजन का मतलब ये नहीं कि सारे ही रिचुअल्स को कवर किया जाएगा बल्कि रिलीजन में सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिसेस को यहाँ पर कवर किया जाएगा जो कि किसी रिलीजन के लिए इंटीग्रल है अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये प्रैक्टिस किसी रिलीजन के लिए इंटीग्रल है या नहीं है तो वॉट कॉन्स्टिट्यूट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ रिलीजन इज प्राइमरली टू बी बटेन विद रेफरेंस टू द डॉट्रीस ऑफ दैट रिलीजन इट्सल्फ तो यहाँ पर जो रिलीजन की डॉक्ट्रीन है उसको यहाँ पर रेफर किया जाएगा उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा क्या कोई प्रैक्टिस किसी रिलीजन के लिए इंटीग्रल है या नहीं है अब इस असेंशियालिटी डॉक्टर की बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली इसके तहत क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर थियोलॉजिकल स्पेयर में जा रही है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्लैडजी का रूल ले रही है तो सब्सिक्वेंटली हाउ एवर कोर्ट्स हैव नॉट बिन कंसिस्टेंट ऑन दिस क्वेश्चन इन डिटामाइनिंग असेंशियालिटी दे हैव रिलाइड एट टाइम्स ऑन रिलीजस टेक्स एंड एट अदर टाइम्स यहाँ पर बेहेवियर देखा जाता है अडेरेंस ऑफ रिलीजन का कि ओरिजिनली यह प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी या नहीं तो एक बात ये भी है ये भी सुप्रीम कोर्ट देखती क्या उस प्रैक्टिस को ओरिजनली फॉलो किया जाता था फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या हिसाब जब यहां पर इस्लाम

जो आनंद मार्गी फेथ है उसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी जो टांडव स्ट्रीट्स में किया जाता है वो इस फेथ की असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है और इस फेथ का ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है जो टांडव डांस है ये शुरू किया गया था 1966 में लेकिन ये जो फेथ है ये नाइनटीन से है तो फेथ नाइनटीन से है लेकिन ये प्रैक्टिस नाइनटीन में अडॉप्ट की गई थी इसीलिए जो प्रैक्टिस है ये यहाँ पर असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है अब इस बात पर क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि जो रिलीजन है वो इवॉल्व करता रहता है दूसरी बात यहाँ पर एक और जजमेंट है 2016 का थ्री जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपेल्ड द डिस्चार्ज ऑफ अ मुस्लिम एयरमैन फ्रॉम द आई एफ और कीपिंग अ बेयर अब जो आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन 1964 है वो प्रोहिबिट करता है कि आप हेयर को ग्रो नहीं कर सकते अगर आपका रिलीजन ऐसा नहीं प्रिस्क्राइब करता तो उसके अलावा आप यहाँ पर हेयर की ग्रोथ नहीं कर सकते तो कोर्ट असेंशियली हेल्ड दैट कीपिंग अ बियर्ड वॉज नॉट एन असेंशियल प्रैक्टिस ऑफ द इस्लाम वाइल अपोल्डिंग द एक्विजिशन ऑफ द सेंटर एरिया अब सेंटर ने क्या किया था अयोध्या एक्ट के तहत यहाँ पर कुछ एरिया ले लिया गया था उसके बाद यहाँ पर कोर्ट ने रूलिंग ये दी थी अ मॉस्क इज नॉट एन असेंशियल पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस और यहां पर जो सेंटर ने कुछ एरिया लिया है तो बेसिकली वो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन को किसी तरीके से भी कर्ब नहीं करता है तो अ मॉस्क इज नॉट एन असेंशियल पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम एंड नमाज बाई मुस्लिम्स कैन बी ऑफर्ड एनी वेयर इवन एन ओपन तो यहाँ पर अगर सेंटर ने एरिया को एक्वायर कर भी लिया है तो उसके बेसिस पे यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो यहाँ पर वॉयलेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमने पहले ये देख लिया कि असेंशियलिटी की डॉक्ट्रीन कैसे है शरूम मर्ट केस में आई थी उसके बाद कौन कौन से केसेस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आनंद मार्गी सेक्ट में फिर यहाँ पर मुस्लिम आईओएफ पर्सनल के केस में तो ये आपको पता अब हम डिस्कस करेंगे हिजाब का केस तो कर्नाटक हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे अपेल द रेस्ट्रिक्शन ऑन मुस्लिम वेमेन वेयरिंग अ हिजाब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रूलिंग दैट द राइट टू वेयर हिजाब इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वेदर हिजाब हेडस्काफ इज़ अ पार्ट ऑफ असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव तो नहीं और कोर्ट का यह कहना है कि कुरानिक इन्जंक्शन को हमने रेफर किया उसके बेसिस पर हमें ये पता चला है ये जो हिसाब की प्रैक्टिस है ये असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो वेयरिंग हिजाब इज़ नॉट रिलीजन स्पेसिफिक इट इज़ नॉट दैट इफ़ द एले प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग हिबाब इज़ नॉट एडेयर टू तो उसकी वजह से कोई ऐसा नहीं लिखा है कुरान में कि कोई पाप होता है और उसकी कोई सज़ा तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है इसीलिए जो हैडस्कार की प्रैक्टिस है हिजाब की प्रैक्टिस है ये यहाँ पर असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है अब क्या यहाँ पर जो स्कूल यूनिफॉर्म प्रस्क्राइब की जाती है उसकी वजह से कि आर्टिकल नाइनटीन वन है यहाँ पर वॉयलेट होता है या आर्टिकल ट्वेंटी वन वॉयट होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव है उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हैं और यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है और ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल है तो वाइल द पटीशन आर्गूमेंट वॉज स्पेसिफिकली अबाउट अलाउंग स्टूडेंट्स टू वेयर हिजाब ऑफ ए स्ट्रक्चर एंड कलर दे सूटेड द प्रेस्क्राइब ड्रेस कोड सो तो दे कोड कंटिन्यूअर एजुकेशन लेकिन यहाँ पर क्या ऑर्डर है हमने देख लिया अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें यहाँ पर हेडस का फैलाव किया जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट है उसको यहाँ पर सेंटर को फॉलो करना है तो आर्ट्स बीइंग अ काइंड ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर द फेडरल यूनिट्स नेमली द स्टेट्स नीड नॉट टो तो द लाइन ऑफ अ सेंटर अब क्या ये आर्टिकल फोटीन और फिफ्टीन को वॉयलेट करता है तो नहीं कर्नाटक एजुकेशन नाइनटीन एटी थ्री में कर्नाटका गवर्नमेंट के पास ये पावर की वो ऐसा डिसीजन दे सकते हैं और हिसाब को बैन कर सकते हैं जो कि उन्होंने पाँच फरवरी को ऑर्डर से किया था तो आई होप आपको ये पूरा इशू क्लियर हो गया हो अब मेडिकल डिवाइसेस ड्राफ्ट पॉलिसी एम्स एंड प्रोपोजल्स तो इंडिया में जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो लगभग 80 परसेंट डिवाइस जो हैं वो इंपोर्ट होती हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर आई जा रही है तो अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट है तो जो भी यहाँ पर पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जब फाइनल हो जाएगी तो हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो अ न्यू ड्राफ्ट मेडिकल डिवाइस पॉलिसी एम डाइट रिड्यूसिंग इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंस इन दस सेक्टर तो यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेज के लिए हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंट ना रहना पड़े तो उसके लिए यहाँ पर एक पॉलिसी लेकर आई जा रही है जिसमें टैक्स रिबेट्स दी जाएंगी इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि यहाँ पर इंडिया में ही डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग हो सके तो इन्हें अप्रोच पेपर टू ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर मेडिकल डिवाइस दो अब बाईस पर जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है वो किसके अंदर आता है तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आता है इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है अब व्हाट इज द नीड फॉर सच अ पॉलिसी अस्सी परसेंट जो हमारी मेडिकल डिवाइसेस कंट्री में आती हैं वो यहां पर इंपोर्टेड होती हैं तो हमें अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करनी है तीस परसेंट तक कम से कम कम करनी है तो विद द पॉलिसी द गवर्नमेंट इन्स टू रिड्यूस इम्पो डिपेंडेंस टू नियरली थर्टी परसेंट इन द नेक्स्ट टेन ईयर्स और यहाँ पर हम चाहते हैं कि टॉप फाइव ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब ऑफ मेडिकल डिवाइस इंडिया बने बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन अब मेडिकल डिवाइस को कौन से एक्ट के अंदर कवर किया जाता है तो कवर किया जाता ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ नाइनटीन फोर्टी जो पॉलिसी है यहाँ पर कोशिश कर रही है जो इंडियाज पर कैप्टे स्पेंडिंग इन मेडिकल डिवाइस पर वो बढ़ाई जा सके अभी तीन डॉलर इसको बढ़ा के फोर्टी सेवन डॉलर की जा सके अगर हम फोर्टी सेवन डॉलर भी करेंगे तब भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं जैसे कि यूएस ए जहाँ पर फोर हंड्रेड फिफ्टीन डॉलर खर्च किया जाता है और जर्मनी में जहाँ पर तीन सौ तेरह डॉलर खर्च किया जाता है तो तोयब आपको ये दोनों क्लियर हो गया हो अब हम आगे चलते हैं तो। यहाँ पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे पहले जो कि है अ नैरोइंग ऑफ फ्रीडम रिलीजन हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ ह्यूमन सोसाइटल एग्जिस्टेंस सिंस टाइम इन मेमोरियल तो किसी भी इंसान के लिए रिलीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी लाइफ का एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट होता है सबरीमाला रिव्यू 2020 में आपको पता होगा सबरीमाला जजमेंट आया था इट क्लियरली शोज दैट सुप्रीम कोर्ट इट्स सेल्फ इज इन डाउट अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डाउट जताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है क्या उसको असेंशियलिटी की डॉक्ट्रीन में जो रोल ऑफ क्लर्जी है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो सबरीमाला रिव्यू क्लियरली शोज दैट द सुप्रीम कोर्ट इट सेल्फ इज डाउट अबाउट द करेक्टेडनेस ऑफ द असेंशियलिटी डॉक्ट्रीन एंड वेदर कोर्ट शुड अज्यूम द रोल ऑफ क्लर्जी तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि असेंशियलिटी के डॉक्ट्रीन की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर क्लैटी के एरिया में चली जाती है इसके अलावा थियोलॉजिकल स्पेस में चली जाती है तो ऐसा किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए रिलीजियस फ्रीडम इज प्रेमाइज्ड ऑन द बिलीफ दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ द इनहेरेंट डिग्निटी टू एक्सप्लोर हिज और हर कॉन्शियसनेस अब यहाँ पर कुछ लोग हैं वो हिजाब को वेयर करते होंगे क्योंकि सोसाइटल प्रेशर है लेकिन कुछ यहाँ पर गर्ल्स इसीलिए हिजाब को वेयर करती होंगी क्योंकि ये उनकी चॉइस है तो द कोर्ट हैज़ राइटली कंक्लूडेड दैट फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव हैज़ बीन सबऑर्डिनेटेड ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट बताया गया है वेल सम वेमेन नो डाउट विल themselves बिकॉज ऑफ societal pressure अदर्स डू सो बाई चॉइस तो यहाँ पर जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया उन्होंने उन वुमेन का ध्यान नहीं रखा जो कि चॉइस के बेसिस पे हिसाब को लेती हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ केस तो मैंने आपको बताया शिरूर मठ केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि रिलीजन में जो प्रैक्टिस हैं उनको सारी ही प्रैक्टिस को यहाँ पर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव के अंदर कवर नहीं किया जाएगा सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिस को कवर किया जाएगा जो कि किसी रिलीजन के लिए असेंशियल है उस रिलीजन के लिए इंटीग्रल है तो सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ हेल्ड दैट द टर्म रिलीजन इन आर्टिकल ट्वेंटी फाइव कवर्स ऑल रिचुअल एंड प्रैक्टिस दैट आर इंटीगरल टू द रिलीजन अब कौन डिसाइड करेगा तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर टेक्स्ट को देखेंगी इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर किसी थियोलॉजिकल एक्सपर्ट से बात करेगी उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा क्या कोई प्रैक्टिस किसी रिलीजन के लिए असेंशियल है या नहीं है द कर्नाटका हाई कोर्ट हेज नाउ सेट दट हिजाब इज नॉट इंटीग्रू इस्लाम दिस थर हैज बिन राइटिंग दट असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रीन इज एरोस एंड गिवस कोर्ट एक्सट्रीमली वाइट पावर्स इन प्योरली थियोलॉजिकल मैटर्स तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि असेंशियल रिलीज डॉक्ट्रीन के चलते यहां पर कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है थियोलॉजिकल मैटर्स जिस में जिसमें कोर्ट यहाँ पर एक्सपर्ट है तो कोर्ट थियोलॉजिकल मैटर्स में एक्सपर्ट नहीं है लेकिन कोर्ट इसमें ज्यादा पावर ले लेती है क्योंकि कोर्ट यहाँ पर लीगल एक्सपर्ट है लेकिन कोर्ट यहाँ पर थियोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं है आनंद मार्गी केस में मैंने आपको बताया था तो जो टांडव है वो ये सुप्रीम कोर्ट का को ऑर्डर ऑर्डर था जो टांडव है वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस सेक्ट की जिसकी वजह से यहाँ पर इसको इसके लिए अलाउ नहीं किया गया था और फंडामेंटल राइट के अंदर इसको प्रोटेक्ट भी नहीं किया गया था जो यहाँ पर टांडव डांस है लेकिन ऑचर ने यह बोला है कि आपने उस बेसिस पर उसको असेंशियल नहीं माना था क्योंकि जो प्रैक्टिस है टांडव डांस की बहुत लेट शुरू हुई थी और यहाँ पर जो सेक्ट है ये बहुत पहले इसकी ओपनिंग हो गई थी तो 1955 में ये सेक्ट आया था और 1966 में यहाँ पर टांडअप डांस की शुरुआत की गई थी तो अथड ने इसमें ये पॉइंट दिया है काउंटर पॉइंट कि रिलीजन्स जो हैं वो टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं टू से वॉट एवर इज़ नॉट इन द वेदाज तो वेदास या श्रुतीज़ में कोई अगर प्रैक्टिस नहीं है लेकिन अगर हिंदू रिलीजन आज उस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा हो तो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रैक्टिस इंट्रीगल नहीं है क्योंकि जब यहाँ पर हिंदू रिलीजन आया था तब ये प्रैक्टिस नहीं की जाती थी तो टू से वॉट एवर इज़ नॉट इन द देदाज और श्रुतीज इज़ नॉट एन एसेंशियल हिंदू प्रैक्टिस मे ग्रेटली अंडरमाइन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ हिंदूज तय आपको सब क्लियर हो रहा हो अब गांधी वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था दैट नो आउटसाइड अथॉरिटी हैज़ एनी राइट टू से दट डीज आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ रिलीजन एंड इट इज़ नॉट ओपन टू द सेकुलर अथॉरिटी तो यहाँ पर स्टेट की सेक्युलर अथॉरिटी ये नहीं है कि किसी भी वो यहाँ पर प्रैक्टिस को प्रोहिबिट कर सकें लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट के अंदर कर्नाटक गवर्नमेंट ने यहाँ पर हिसाब को प्रोहबिट किया लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का ये नहीं कहना है कि आर्टिकल फोर्टी और फिफ्टीन वॉयलेट हुआ है तो इफ़ वी गो बाई द कर्नाटका हाई कोर्ट जजमेंट दट हिजाब इज नॉट असेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस बिकॉज देर इज़ नो पनिशमेंट तो यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट का ये कहना है कि कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर आप हिजाब नहीं पहन रहे हो तो आपने पाप किया है इसीलिए यहाँ पर हिजाब पहनना असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है अब यहाँ पर ऑथर ने एग्जाम्पल दिया होमोसेक्शुअलिटी का एडल्ट्री का तो होमोसेक्शुअलिटी और एडल्ट्री कुरान में प्रोहिबिट है लेकिन उसके बाद भी तो आपने डीक्रमलाइज़ किया है उसको तो इट मे लीड टू द कंक्लूजन दट एडल्ट्री एंड होमोसेक्शुअलिटी आर टू बी कंसिडर्ड एज प्रोहिबिटेड एज देर आर सीवियर पनिशमेंट्स अंडर इस्लाम लेकिन उसके बाद भी आपने इसको डीक्रमलाइज़ किया तो ऐसा नहीं है कि वही प्रैक्टिस असेंशियल होंगी जो कि यहाँ पर कुरान में जिनके लिए पनिशमेंट दिया गया है द कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट दैट इट इज़ नॉट दट इज द एलिश प्रैक्टिस ऑफ वेरिंग हिबाब इज नॉट एडियर टू दोज नॉ वरिंग हिसाब बिकम्स एनर्स तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे कुरान में ऐसा नहीं लिखा कि जो हिसाब नहीं पहन रहे वो यहाँ पर पाप कर रहे हैं नो रिलीजन वुड लूज ग्लोरी बिकॉज ऑफ द स्टेट डिस अलोइंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस तो ये हमने डिस्कस कर लिया बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया तो आई होप आपको सब समझ आ गया हो ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे ये जजमेंट के ऊपर है जो अभी इलेक्टोरल विक्ट्री हुई है उसके ऊपर ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर एक एस एस एफ एस एस एफ हम डिस्कस करेंगे एस एस एफ क्या होता है तो स्पेशल सिचुएशन फंड किसके अंदर है सेबी के अंदर तो सेबी केम आउट विद ए डेडिकेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर स्पेशल सिचुएशन फंड जो स्पेशल सिचुएशन फंड है ये है एआईएफ कैटेगरी वन के अंदर इनको डाला गया है ए आई एफ आपको पता होना चाहिए ए आई एफ के तीन कैटेगरी होते हैं तो इसको ए आई एफ कैटेगरी वन के अंदर डाला गया है तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की कैटेगरी वन में सब कैटेगरी जो कि एस एस एफ अब एस एस एफ का काम क्या है तो जैसे आरबीआई ने एक बैड बैंक का स्ट्रक्चर बनाया है एनआईआरसीएल और आई डी आर सल का वैसे ही यहां पर सेबी का ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एस एस एफ का स्पेशल सिचुएशन फंड क्या करते हैं बेसिकली ये लोग यहां पर डेट को लेते हैं तो बोथ दीज रिफॉर्म्स आर एम्ड एट सॉल्विंग इंडियाज डेट प्रॉब्लम क्योंकि इंडिया की डेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है बैड डेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है यहाँ पर जो बैंक्स है उनका एनपी लगातार बढ़ रहा है तो वाइल द बैड बैंक इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द एक्जिस्टिंग एसेट स्ट्रक्चर कंपनीज जो एसएसएफ़ एस एफ पूरी तरीके से नया कॉन्सेप्ट है तो एसएसएफ़ किसका कॉन्सेप्ट है आपको ये पता होना चाहिए तो ये किसका कॉन्सेप्ट है सेबी का कॉन्सेप्ट है किसके अंदर आता है तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी वन की सब कैटेगरी है तो यहाँ पर तीन कैटेगरीज होती है ए की तो उसमें यहाँ पर वन की सब कैटेगरी है एस एस एफ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बैड डेट की प्रॉब्लम है बैड डेट की वजह से क्या होता है यहाँ पर बैंक्स को ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ती है ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ती है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा कैपिटल जो है वो लॉकअप हो जाता है अब बहुत सारा कैपिटल लॉकड हो जाता है जिसकी वजह से लोन्स नहीं दे पाते हैं ज़्यादा अगर लोन्स नहीं दे पाते तो यहाँ पर इकॉनॉमी की ग्रोथ नहीं होती है. तो ऐसे में कैप जो भी कैपिटल है उनको यहाँ पर मार्केट में यूज़ हो उसका तो उसके लिए यहाँ पर जो भी बैड डेट है उसको यहाँ पर दे दिया जाएगा जैसे कि एस को या तो फिर यहाँ पर बेड बैंक को तो जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा लोन्स बैंक दे पाएंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो इंडिया सफर्स फ्राम अ क्रोनिक बेड डेट प्रॉब्लम हायर बेड डेट रिकॉय्स हायर प्रोविजनिंग लॉकिंग अप मोर कैप्टल इन द बैंकिंग सिस्टम दिस रिड्यूस क्रेडिट सप्लाई इन हर्स इकनॉमिक ग्रोथ तो आपको एस एस एफ पता चल गया जो कि सेबी का है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ए आई एफ कैटेगरी वन में सब कैटेगरी है अब यहाँ पर ऑथेंटिक प्रॉब्लम बताइए एस एस एफ के साथ तो वो प्रॉब्लम ये है जो न्यू रेगुलेशन है वो ये कहते हैं कि अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंडरी मार्केट जो एस हैं, वो यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में कर सकते हैं पार्टिसिपेट लेकिन ये पोस्ट डिफॉल्ट के लिए मैकेनिज्म है तो हम यहां पर इंतजार क्यों करेंगे डिफॉल्ट हो जाए उससे पहले के लिए भी इसको यूज होना चाहिए तो यहाँ पर पोस्ट डिफॉल्ट तक के लिए हमें वेट नहीं किया जाना चाहिए टू रियलाइज दरअ ट्रू पोटेंशियल मस्ट बी अलाउड फुल पार्टिसिपेशन अक्रॉस द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट डेट एंड नॉट जस्ट बी कन्फाइंड टू द पोस्ट डिफॉल्ट स्टेट तो ये सिर्फ यहाँ पर ऑथर की रिकमेंडेशन है आपको सिर्फ एस पता होना चाहिए एस एस क्या है आगे चलते हैं ये हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन नॉट एब्सल्यूट इन इंडिया या कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एब्सोल्यूट है यूएस और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया में यहाँ पर जो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव है उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं तो वी आर ऑफ द कंसडर्ड ओपिनियन वेयरिंग ऑफ द हिजाब बाई मुस्लिम विमन डज नॉट मेक अप एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तो वी आर ऑफ द कंसर्ड ओपिनियन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म जो है यहाँ पर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन और ये कॉन्स्टिट्यूशनली पूरी तरीके से पॉमिसेब है तो जो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव है उसमें यहाँ पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है तो विच एवर ब र रिलीजन वट एवर इज स्टेटेड इन द स्क्रिप्चर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी स्क्रिप्चर में लिखा था तो उसको मैंनेडेट्री मान लिया जाएगा और आर्टिकल ट्वेंटी फाइव अंदर यहाँ पर प्रोक्ट जाएगा आगे चलते हैं यहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज नहीं है वर्ल्ड पेज पर भी कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं और इकॉनमी पेज में भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक न्यूज़ है जैसे कि ब्लैंकेट और जोमेटो का यहाँ पर मर्जर हो रहा है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है तो हम यहाँ पर कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया इफ लाइक वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड डे